Good morning, students. Today we will discuss the practicals of accounting. I'm going to start with the practicals of fourth chapter, that is accounting equation, a double entry system. So we will do firstly the first illustration, which is on page number 4.7, illustration number 1. बेटे इलस्ट्रेशन करने से पहले आप बेसिकली समझ लेते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन जो ऑलरेडी की हुई है, दैट इज एसेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। इसके लिए तुम तीन कॉलम्स बना लो, एक एसेट का, एक लाइबिलिटीज का और एक कैपिटल का। यहाँ पर हम क्या समझेंगे कि जो ये एसेट्स का टोटल है ये ऑलवेज किसके इक्वल होता है, लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल के इक्वल। तो आप हर एंट्री में देखेंगे, हर ट्रांजेक्शन में क्या होएगा, एसेट साइड इन दोनों साइड्स की क्या होगी, ऑलवेज इक्वल। ये थर्ड वाला तो मैंने रफ वर्क के लिए बनाया, दैट इज वर्किंग। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द फर्स्ट इलस्ट्रेशन। फर्स्ट इलस्ट्रेशन पढ़ो क्या है, ओंकार नाथ स्टार्ट्स अ रियल स्टेट एजेंसी बिजनेस। ओंकार नाथ एक पर्सन का नाम है जो क्या, जिसने क्या है, बिजनेस स्टार्ट किया है विद द कैश इन्वेस्टमेंट ऑफ 35,000। इसका मतलब उसने बिजनेस स्टार्ट किया विद द कैश। एक तो क्या है, बिजनेस में कैश आ गया, दूसरी बात वो ओंकार नाथ ओनर है, तो जब ओनर पैसे इन्वेस्ट करता है उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल। एक बिजनेस में क्या आ गई, कैपिटल कम्स इन द बिजनेस। तो इसका ड्यूअल इम्पैक्ट क्या जाएगा, एक तो कैश इंक्रीज हो जाएगा। कैश क्या होता है बेटे, हमारा एसेट, कैश इज अ एसेट। तो एसेट साइड पे लिखोगे कि कैश हमारे बिजनेस में आ गया कितना, रुपीज 35,000। दूसरा कैपिटल आ गई बिजनेस में, तो कैपिटल साइड पे लिखोगे कैपिटल इज इक्वल्स टू रुपीज 35,000। फर्स्ट एंट्री ये कंप्लीट होगी। अब यहाँ पर देखो जो कैश है, कैश का जो एसेट साइड है इसका टोटल किसके इक्वल है, लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल के इक्वल है। लाइबिलिटी कोई है नहीं, तो ये साइड और ये साइड इक्वल हुई कितने के, 35,000। नेक्स्ट फर्स्ट एंट्री आती है बेटे, ए पार्ट पेड 3 months एडवांस रेंट। अब एडवांस रेंट पे किया है, एडवांस रेंट पे किया है, तो रेंट पे करने से क्या इंपैक्ट जाएगा, रेंट पे करने का, रेंट पे करने से हमारी जो कैश है वो एक तो कम हो जाएगा, एक एडवांस रेंट जो है पहले से प्रीपेड रेंट जो है पे किया है, प्रीपेड रेंट इज कंसीडर्ड एज एसेट। तो इसका ड्यूअल इंपैक्ट क्या जाएगा, एक तो कैश कम हो जाएगा, तो सेकंड एंट्री में देखो कैश कितना रह जाएगा, यहाँ साथ के साथ लाइन लगा लिया करो जब एक एंट्री कंप्लीट हो, कैश बेटे रह जाएगा रुपीज 35,000 माइनस कितना एडवांस रेंट पे किया है, 2100, ये रह जाएगा 32,900। दूसरी बात मैंने अभी क्या बताई थी, एडवांस रेंट जो पे किया है प्रीपेड रेंट, इट इज कंसीडर्ड एज अ एसेट, प्रीपेड रेंट ये एसेट आएगा रुपीज 21,000। अब इधर की साइड पे लाइबिलिटी कोई नहीं है, कैपिटल में कुछ इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हुआ है, तो कैपिटल जो है उसको एज इट इज लिख लो कितनी, 35,000। अब देखो इसका टोटल 32,900 प्लस 21,000 कितना हुआ, 35,000, कैपिटल भी कितनी होगी, 35,000। नेक्स्ट है बॉट ऑफिस कार। अब बिजनेस के लिए ऑफिस कार जो है वो खरीदी है, तो इसके क्या इंपैक्ट जाएंगे, कार खरीदी है तो कैश बिजनेस में से गया, ठीक है। दूसरी बात बिजनेस में क्या आ गया, एसेट कार, कार बिजनेस में आ गई है बिजनेस में, तो इसका क्या इंपैक्ट जाएगा, एक तो बेटा कैश जो है वो कम हो जाएगा। अब बिजनेस में जो कार है वो कितने की खरीदी है, 21,000 की, 21,000 की बिजनेस में कार खरीदी है, तो कैश लेस हो जाएगा 21,000, 32,900 माइनस 21,000,
दिस कम्स आउट टू बी 11,900। और बिजनेस में कार आ जाएगी, और कार भी क्या है, बिजनेस का एसेट। तो इधर एसेट साइड पे लिखेंगे ऑफिस कार कितने की आ गई, 21,000। और सेम जो पिछली एंट्री है वो एज इट इज उतार लेंगे। प्री पेड रेंट ये कितना था बच्चे, 21। इधर कोई इंपैक्ट नहीं है। इधर अगेन कैपिटल कितनी है, 35,000। अब देखो जरा टोटल इनका कितना बनता है, 11,900 प्लस 21,000 प्लस 2,100, ये बनेगा 35,000। 35,000 इक्वल टू 35,000। नेक्स्ट सी पार्ट है परचेज्ड ऑफिस फर्नीचर। अब ऑफिस के लिए फर्नीचर लिया है, सेम इंपैक्ट जाएगा। अगर ऑफिस के लिए आप फर्नीचर खरीदते हैं तो बिजनेस में फर्नीचर एक तो आ जाएगा। अब जब फर्नीचर आ जाएगा बिजनेस में तो हमारे बिजनेस में से क्या है, कैश रिड्यूस हो जाएगा, कैश कम हो जाएगा बिजनेस में से। अब कितने का फर्नीचर खरीदा है बच्चे, 7,000 का। तो 7,000 का कैश कम हो जाएगा, 11,900 माइनस 7,000, कैश कितना रह गया बिजनेस में, 4,900। आगे क्या है, बिजनेस में ऑफिस कार एज इट इज उतार लेंगे, 21,000। ठीक है, प्रीपेड रेंट एज इट इज उतार लेंगे, 2,100। एक बिजनेस में अब और क्या आ गया, फर्नीचर। फर्नीचर आया 7,000। दिस इज द एंट्री। इसका ड्यूअल इंपैक्ट आ गया, एक तो फर्नीचर आ गया, कैश चला गया, अगेन बैलेंस हो गया। ये एज इट इज रहेगा, ये कैपिटल कितनी आ जाएगी भाई, 35,000। अब इसका टोटल लगा के देख लो जरा, अभी 35,000 बनते हैं, 4,900 प्लस 21,000 प्लस 2,100 प्लस 7,000, ये 35,000 हो गया, और ये भी 35,000 हो गया। तो इनका बैलेंस अगेन क्या है, इक्वलाइज हो गया। इसको इरेज करने लगी बेटा, निचले वाला आप एज इट इज रखते हैं, क्योंकि ये बैलेंस हमने कैरी फॉरवर्ड करनी है। नेक्स्ट एंट्री आती है बी पार्ट, बॉट ऑफिस टाइपराइटर फ्रॉम स्टैंडर्ड सप्लाई कंपनी। अब यहाँ क्वेश्चन क्या है कि बॉट ऑफिस टाइपराइटर, बिजनेस के लिए टाइपराइटर खरीदा है। जब टाइपराइटर बिजनेस के लिए खरीदा है, टाइपराइटर बिजनेस का एक इक्विपमेंट बन गया, तो ये क्या हो जाएगा, एक एसेट। अब वो खरीदा किससे है बेटे, कैश के थ्रू नहीं खरीदा, यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ। यहाँ पर क्या है, स्टैंडर्ड सप्लाई कंपनी का नाम लिखा हुआ है, इट मींस उसको पैसे हमने देने हैं, वो क्या बन जाएंगे, अपने क्रेडिटर्स। और ये क्रेडिटर्स क्या होते हैं, लायबिलिटी, देनदारी, फ्यूचर में देनी है अपने। तो इसका इम्पैक्ट क्या जाएगा, पहले तो ये वाले सारे एज इट इज उतार लो, सिर्फ कैश को छोड़ के। बॉट ऑफिस टाइपराइटर फ्रॉम स्टैंडर्ड सप्लाई कंपनी। अब इसकी पेमेंट अपने कैश पे नहीं की, तो कैश के ऊपर इसका कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, कैश एज इट इज आ जाएगा। ऑफिस कार भी एज इट इज आ जाएगी, 21,000। नेक्स्ट प्रीपेड रेंट एज इट इज आ जाएगा, प्रीपेड रेंट एज इट इज 2,100। फर्नीचर एज इट इज 7,000। अब अपना पॉइंट क्या था कि बॉट ऑफिस टाइपराइटर, अब बिजनेस में क्या आ जाएगा, टाइप राइटर। कितने का आया बच्चे, ये 3,000 का। ठीक है, अब 3,000 के क्या क्रिएट हो गए, मैंने बताया था क्रेडिटर्स, और ये क्या होती है, लाइबिलिटी। तो अब लाइबिलिटी साइड पे क्रेडिटर्स में कितना लिखेंगे अमाउंट, 3,000, और कैपिटल उतनी रहेगी, 35,000। अब 35,000 प्लस 3,000 कितना हो गया,
38,000, इधर का साइड का टोटल कितना है 38,000, इसका टोटल भी लगा के देख लो तुम लोग, 4900 प्लस 21,000 प्लस 2100 प्लस 7,000 प्लस 3,000 कितना आ गया 38,000। अगेन टोटल जो है वो इक्वलाइज हो गया। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, ई पार्ट, sold office furniture at to Amar। अब ऑफिस का फर्नीचर था अमर को सेल कर दिया गया, कितने के ऊपर 1000 के ऊपर। इसका मतलब इंपैक्ट क्या जाएगा, फर्नीचर रिड्यूस हो जाएगा। फर्नीचर कितने से रिड्यूस हो जाएगा 1000 से, 7000 था 1000 सेल कर दिया, कितना रह गया फर्नीचर 6000। दूसरा इम्पैक्ट इसका क्या रहेगा, अमर पेड 600 इन कैश, अमर ने 600 रुपया कैश पे कर दिया। इट मींस बिजनेस में जो फर्नीचर सेल करके कैश आ गया कितने का आया 600 का, एंड रिमेनिंग क्या है अब कैश 600 का आ गया, कैश का इम्पैक्ट क्या जाएगा, कैश का बैलेंस कितना था 4900 प्लस 600 और आ जाएगा अपने पास, ये कितना हो गया 50,500। दूसरा इंपैक्ट क्या है, एंड एक्सेप्टेड ए बिल, एक बिल एक्सेप्ट कर लिया गया 3 मंथ्स का। ये मैंने तुम्हें बताया था बिल्स रिसीवेबल होते हैं, बिल्स रिसीवेबल और ये क्या होते हैं एसेट। अब रिमेनिंग बैलेंस कितना बच गया, 1000 का सेल किया था कैश आ गया 600, तो रिमेनिंग कितना बच गया 400, तो बिल्स रिसीवेबल कितने के आएंगे 400, एंड दीज आर कंसीडर्ड एज एसेट। ई पॉइंट में इंपैक्ट क्या जाएगा बेटा, कैश, सबसे पहले कैश कितने का भी मैंने बताया 4900 का तो पहले ही था है ना, 600 और आ गया, कैश कितने का हो गया 5500 का, बाकी सारी चीजें वैसी की वैसी उतार लो। ऑफिस कार 21,000, प्रीपेड रेंट 2100, फर्नीचर 7000। अब बेटे फर्नीचर जो है वो 7000 की बजाय कितने का आएगा 6000 का। हियर इज द चेंज, ये मैंने बताया था कि 7000 में से 1000 का फर्नीचर चला गया। नेक्स्ट टाइपराइटर सेम, कितने का 3000 का, इधर वाली साइड पे कोई इम्पैक्ट नहीं आया क्योंकि प्रॉफिट तो कोई हुआ ही नहीं, 3000, 35,000। अगेन देखो इसका टोटल कितना है 35 प्लस 3 38,000। अब एसेट साइड का टोटल देखो 5500 प्लस 21,000 प्लस 2100 प्लस 6,000 प्लस 3,000 दैट इज 38,000। नेक्स्ट है बेटे एफ पार्ट, एफ पार्ट में क्या है, अमाउंट अमर पेड द अमाउंट ऑफ बिल एट मैच्योरिटी। बेटे इसमें पिछली में एंट्री में एक चीज रह गई, आपने ये सारे अकाउंट्स उतार लिए थे, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल आपने नहीं डाला, वो कितने का है बेटे 400 का। अब टोटल लगा के देखो तुम 5500 प्लस 21,000 प्लस 2100 प्लस 6,000 प्लस 3,000 प्लस 400, ये आ गया 38,000। ये था ई पार्ट तक। नेक्स्ट आता है बेटे एफ पार्ट, ऊपर वाली एंट्री अगेन इरेज करने लगेंगे। एफ पार्ट में क्या है, अमर पेड द बिल एट मैच्योरिटी, अमर ने जो बिल लिया था वो मैच्योरिटी पर पे कर दिया। इट मींस क्या है, जो ये बिल्स रिसीवेबल था 400 रुपए की बात हो रही है बच्चे, तो ये बिल जो है मैच्योरिटी पर पे हो गया है। अब इसका इफेक्ट क्या जाएगा, इसका इम्पैक्ट जाएगा बिल्स ऑफ रिसीवेबल, हमें रिसीव हो गया बिल,
बिल्स ऑफ रिसीवेबल 400 रुपया खत्म हो जाएगा, बिल खत्म निल। और इसका सेकंड इम्पैक्ट क्या जाएगा, कैश आ जाएगा। कैश के ऊपर क्या इम्पैक्ट जाएगा, 5500 प्लस 400, 5900 का कैश आ जाएगा। नेक्स्ट इज एंड ओंकार नाथ पेड हाफ द अमाउंट ओड टू स्टैंडर्ड सप्लाई कंपनी। अब स्टैंडर्ड सप्लाई कंपनी कौन थे, ये क्रेडिटर्स। ओंकार नाथ ने हाफ अमाउंट इनको दे दिया, इट मींस क्रेडिटर्स की पेमेंट होगी कितनी, हाफ अमाउंट की 1500। 1500 की पेमेंट होगी तो 5900 माइनस 1500 कितना अमाउंट ये रह गया, 59, दैट कम्स आउट टू बी 4400। अब इसका इम्पैक्ट देखो बेटे क्या जाएगा, सबसे पहले कैश, कैश का बैलेंस कितना रह जाएगा, अभी कैलकुलेट किया है 4400। एक इम्पैक्ट तो ये हो गया, दूसरा इम्पैक्ट क्या होएगा, बी आर खत्म हो जाएगी, बाकी सारा कुछ सेम। ऑफिस कार 21000, प्री पेड रेंट 2100, फर्नीचर 6000, टाइपराइटर 3000। और क्या है, हमारे क्रेडिटर्स कम हो जाएंगे, क्रेडिटर्स कितने से कम हो जाएंगे, 3000 माइनस 1500, 1500। कैपिटल सेम रहेगी 35000। अब बेटे टोटल लगा के देखो, ये है 35000 प्लस 1500, इसका टोटल कितना बनता है, 36500। अब इसका भी इतना ही बनना चाहिए टोटल, तो इसका टोटल लगा के देखो, 4400 प्लस 21000 प्लस 2100 प्लस 6000 प्लस 9000, दिस कम्स आउट टू बी 36500। नेक्स्ट आता है बेटे कलेक्टेड 6000 एज द कमीशन, जी पार्ट है बेटे, कलेक्टेड 6000 एज द कमीशन। अब जो कमीशन कलेक्ट किया है बेटे, इसका दो इम्पैक्ट जाएगा कमीशन कलेक्ट करने का, एक तो कैश आ जाएगा बिजनेस में 6000 रुपये, दूसरा कमीशन रिसीव किया है तो बिजनेस के प्रॉफिट्स इंक्रीज हो जाएंगे, जब प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा तो कैपिटल भी इंक्रीज हो जाएगा, कितने से, 6000 से। अब कैश कितना हो जाएगा बेटे, 6000 प्लस करके 4400 प्लस 6000 10400, बाकी सारी एंट्रीज सेम की सेम ही रहेंगी, कार इज इक्वल्स टू 21000। नेक्स्ट इज 2100 प्रीपेड रेंट, नेक्स्ट इज फर्नीचर 6000 एंड टाइपराइटर इज 3000। इधर वाली साइड पे क्रेडिटर्स का बैलेंस अब कितना रह गया था, 1500। अब क्या है, यहाँ पर अमाउंट जो है वो कैपिटल का चेंज होगा, उसमें क्या है 35000 प्लस हमारे पास अब कैश कितना आ गया बेटा, 6000, तो कैपिटल अपने पास कितनी आ जाएगी, 41000। अब इसका टोटल देखो कितना बनता है, 42500। अब इधर की साइड का भी देखो, 42500 बनना चाहिए, 10400 प्लस 21000 प्लस 2100 प्लस 6000 प्लस 3000, इसका भी बनता है 42500। नाउ लास्ट एंट्री है, लास्ट एंट्री क्या है, पेड टेलीफोन बिल। अब जब टेलीफोन बिल पे कर दिया तो कैश कम हो जाएगा एक तो, दूसरा इसका इम्पैक्ट क्या जाएगा, जब टेलीफोन का अपा बिल पे कर देते हैं
उस केस में हमें प्रॉफिट जो है वो कम हो जाता है, प्रॉफिट कम हो गया तो कैपिटल भी कम होगी, तो एक क्या रिड्यूस करेंगे कैश और एक क्या रिड्यूस करेंगे कैपिटल। अब कैश जो है वो हमारा कितना था, 10,400, हमने इसमें से 150 रुपया पे कर दिया, तो 150 रुपया पे कर देंगे तो हमारा कैश जो है बेटे वो कितना रह जाएगा, 10,250। बाकी सारी एंट्रीज सेम रहेंगी, कार 21,000, प्रीपेड रेंट 2,100, नेक्स्ट फर्नीचर 6,000, टाइपराइटर 3,000, इधर लाइबिलिटी सारे क्रेडिटर्स भी सेम रहेंगे 1,500, और उधर से जो कैपिटल है वो अपनी 41,000 में से 150 कैपिटल कम हो जाएगी, तो कैपिटल कितनी रह जाएगी, 40,850। आप टोटल लगा के देखो, 40,850 प्लस 1,500, इसका टोटल कितना बनता है बच्चे, 42,350। इधर का भी इतना ही बनना चाहिए टोटल, 10,250 प्लस 21,000 प्लस 2,100 प्लस 6,000 प्लस 3,000, इसका भी टोटल कितना बनता है, 42,350। अब देखो इतनी एंट्रीज डालने के बाद ये जो टोटल है ये इक्वल है। दिस इज ऑल अबाउट द अकाउंटिंग इक्वेशन।